होते हैं। ये मैं सच बात आपको बता रहा हूँ, मैं 12th क्लास में था और हमारे डैड के एक दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड्स थे। मेरा परिवार अंबिकापुर में रहते थे, उनका परिवार पास के एक कस्बे में रहता था। हर गर्मी की छुट्टी में हम वहाँ जाते थे। जब आप अपने बचपन के किसी घर जाते हैं ना, तो आप में बचपना बहुत आ जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना मामा, तो वहाँ पे आप जानबूझ के भी बचकानी हरकतें कर लेते हैं कि ठीक है घर ही तो है। तो 12th क्लास की छुट्टी में मैं वहाँ गया था और मैं वैसे ही मस्ती कर रहा था, खेल रहा था, हाफ पैंट पहन के घूम रहा था, जो भी कर रहा था। तो उस घर की जो लेडी थी, उन्होंने मेरे माता पिता को बोला कि ये बड़ा हो गया, इसका बचपना गया नहीं अभी तक। मेरे माता पिता को बहुत बुरा लगा था। बुरा ये नहीं लगा कि ऐसा क्यों बोला, बुरा ये लगा कि बात तो सही है। और वो मुझको बैठा के समझाए थे कि बेटा देखो, हर चीज़ ना एक उम्र तक अच्छी लगती है, उसके बाद ना अपने उम्र का ख्याल रखे, उस हिसाब से बात करना, उस हिसाब से आपकी चाल ढाल होना। जब आप बड़े हो गए हो तो ऐसे नंग धड़ंग मत घूमो कि मामा है, मामी है, मासी है। नहीं, तुम बड़े हो गए हो यार, वो जो भी हैं। तो ये इसमें तो बहुत प्यारी सी बात है कि भाई एक उम्र के बाद आपको आपको खुद समझना पड़ता है कि आप बदल जाओ। क्योंकि आप एक बच्चा चोरी करता है ना तो आपको प्यार आता है, एक बड़ा चोरी करता है ना तो रोड में पिट जाता है ना। तो वो ये नहीं बोल सकता कि अरे मैं तो मक्खन चुरा रहा था। आप जाइए गुप्ता जनरल स्टोर से अमूल बटर चुरा के बताइए, देखिए क्या हालत करते गुप्ता जी आपके, है ना। तो वो हर चीज़ एक वक्त के साथ ही अच्छा लगता है, एक वक्त के साथ ही ख़त्म हो भी जाना चाहिए। तो खैर वो कहानी कहीं आगे मैं आपको सुना दूंगा, पर अभी आप बताइए। अभी एक सडन जंप लेते हैं। बीच में बहुत सारी कहानियाँ हैं कृष्ण जी की, जैसे रुक्मणी हो गया, बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज़ है जहाँ पे उनकी 16,000 रानियाँ कैसे बनी। पर मेरा एक बहुत जो अनहर्ड कहानी की तरफ या एक अनहर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि धर्म की स्थापना कृष्ण जी ने लास्ट में पांडवों के थ्रू करने की सोची। पर पांडव कौरव ये रहते थे हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर एक मेगा किंगडम नहीं थे। तो इन्होंने ये अर्जुन, ये जो पांडव ब्रदर्स बेसिकली, इन्हें ही क्यों चुना? क्योंकि कृष्ण जी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अवतार्स ऑफ विष्णु, नॉट ओनली जस्ट एन अवतार ऑफ विष्णु, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, या प्रोबेबली बहुत सारे ओपिनियंस में तो ही इज़ द ग्रेटेस्ट। तो ये क्या रीज़न रहा होगा कि ये इन्होंने ये इन्हें चूज़ किया? देखिए पांडव और कौरव की जो पूरी कहानी ना, वो सिर्फ माध्यम है हमको।